हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूखे आलू की सब्जी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 7 आलू लिए थे। उनको उबाल के मैंने मैश कर लिया। इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको काट लिया है। 2 हरी मिर्च और 5 कलियाँ लहसुन की उनको कट कर लिया है। अब मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है और इसमें मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच तेल, और तेल को गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया है। यहाँ पर देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया था तो मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है इसमें। 1 चम्मच मैंने राई दाना डाल दिया है। देखिए, अब इनको भुन जाने दीजिए। ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया है, जीरा और राई भुन गई है, तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। और अब हम डाल देते हैं इसमें प्याज, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी। और इसमें 5 से 6 मैंने डाले कड़ी पत्ते, और इनको अब अच्छे से हमें भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, हमारी प्याज आधी भुन गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले। मसालों में मैंने डाली है 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी, हमारी प्याज जो है अच्छे से भुन गई है, मसाले ने पानी वो तेल छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे वो। ये मैं अब इसमें आलू डाल दें जो हमने बॉईल करके रखे थे, और फिर इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, हमने सारे आलू डाल दिए, और इसके साथ ही हमें अब इसमें डाल देना है अपने स्वाद के अनुसार नमक। मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है, ये देखिए, और इसको अब हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने मिक्स कर दिया, तो मैंने एक डाला है 1 पैकेट रेड चिली फ्लेक्स इसमें, और थोड़ा सा खटाई के लिए आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ना हो तो हम नींबू भी डाल सकते हैं, ये देखिए। और अब इनको अच्छे से मिक्स कर देना है, और हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है। ये देखिए जी, हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये जो मैंने आलू सूखे आलू फ्राई किए, इनको हम रोटी में भर के आलू के पराठे भी बना सकते हैं, या वैसे रोटी के साथ पराठे के साथ हम वैसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब मैंने गैस बंद कर दिया है, और इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये देखिए जी, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार बनाकर देखिए, और चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।